5 पे से बेस्ट कवर डिस्प्ले स्मार्टफोन जो कि दोस्तों आप लोगों को 20,000 रुपए से लेकर 30,000 रुपए के बजट के अंदर देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप लोग भी एक 4K सपोर्टेबल कवर डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन बाय करने की सोच रहे हैं तो आप लोगों ने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दोस्तों मेरी लिस्ट में पहले नंबर का स्मार्टफोन आता है Vivo T2 Pro 5G स्मार्टफोन। अगर दोस्तों आप लोग एक 25,000 रुपए की रेंज के अंदर एक 3D कवर डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन बाय करना चाहते हैं तो ये Vivo का स्मार्टफोन आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट होगा। इस स्मार्टफोन के अंदर आप लोगों को दोस्तों दुनिया की सबसे स्लिमेस्ट 3D कवर डिस्प्ले देखने को मिलती है जो कि दोस्तों एक AMOLED डिस्प्ले भी होने वाली है। इसकी दोस्तों आप लोगों को 120Hz रिफ्रेश देखने को मिलने वाली है और इसके अलावा इसके अंदर आप लोगों को 64MP का OIS के साथ कैमरा देखने को मिलता है तो आप लोग इसकी मदद से फोटोग्राफी भी काफी अच्छी कर पाओगे। इसके अलावा इसके अंदर आप लोगों को परफॉर्मेंस के लिए MediaTek Dimensity 7200 प्रोसेसर देखने को मिल रहा है जो कि दोस्तों आप लोगों को 2.8GHz स्पीड के साथ देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा इसके अंदर आप लोगों को 66W का सुपर फास्ट चार्जिंग देखने को मिलता है और एक 3D ग्लास डिजाइनिंग भी देखने को मिलती है। बाकी दोस्तों ये स्मार्टफोन आप लोगों को काफी स्लिम एंड लाइट वेट के साथ देखने को मिलने वाला है। इस स्मार्टफोन की प्राइस है दोस्तों 24,999 रुपए और ये स्मार्टफोन आप लोगों को 8GB रैम और 256GB स्टोरेज के साथ देखने को मिलने वाला है। बाकी दोस्तों मेरी लिस्ट में दूसरे नंबर का स्मार्टफोन आता है Vivo V29e 5G स्मार्टफोन। ये स्मार्टफोन दोस्तों फिलहाल के टाइम पे लॉन्च हुआ है जिसके अंदर भी दोस्तों आप लोगों को दुनिया की सबसे स्लिमेस्ट 3D कवर डिस्प्ले देखने को मिल रही है 120Hz रिफ्रेश के साथ। इसके अलावा इसके अंदर आप लोगों को इसकी आइकॉनिक डिजाइनिंग आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आने वाली है और ये Vivo का स्मार्टफोन दोस्तों आप लोगों को काफी शानदार कैमरे के साथ देखने को मिलने वाला है। इसकी दोस्तों अल्ट्रा स्लिम बॉडी भी आप लोगों को काफी पसंद आएगी और इसके अलावा इसके अंदर आप लोगों को सिर्फ 180 ग्राम का ही वेट देखने को मिलने वाला है। इसके अंदर आप लोगों को फोटोग्राफी के लिए पूरे 64MP का OIS कैमरा देखने को मिलता है और इसके अलावा इसके अंदर आप लोगों को पूरे 50MP का ऑटो फोकस के साथ सेल्फी कैमरा भी देखने को मिलता है। बाकी दोस्तों ये Vivo का स्मार्टफोन आप लोगों को 44W के फास्ट चार्जिंग और पूरे 5 mAh की बैटरी के साथ देखने को मिलेगा। ये स्मार्टफोन दोस्तों आप लोगों को Amazon के ऊपर 25,999 के अंदर देखने को मिलता है 8GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ। बाकी दोस्तों हमारी लिस्ट में तीसरे नंबर का स्मार्टफोन आता है Motorola Edge 40 5G स्मार्टफोन। अगर दोस्तों आप लोग एक 144Hz रिफ्रेश के साथ एक 3D कवर डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन बाय करना चाहते हैं तो ये Motorola का स्मार्टफोन आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट होगा। इसके अंदर आप लोगों को इसके साथ IP68 वाटरप्रूफ प्रोटेक्शन भी देखने को मिलती है जो कि दोस्तों आप लोगों को इस Motorola के स्मार्टफोन को काफी ज्यादा सिक्योर करके रखने वाली है। तो अगर आप लोगों के हाथ से गलती से पानी में गिर जाए तो एकदम सिक्योर भी रहेगा। इसके अलावा इसके अंदर आप लोगों को परफॉर्मेंस के लिए MediaTek Dimensity 8020 का 5G चिपसेट देखने को मिल रहा है जो कि दोस्तों काफी पावरफुल चिपसेट होती है और इसके अलावा इसके अंदर आप लोगों को पूरे 50MP का कैमरा देखने को मिलता है OIS के साथ जिसकी मदद से दोस्तों आप लोग काफी अच्छी खासी फोटोग्राफी भी कर पाओगे। ये स्मार्टफोन दोस्तों आप लोगों को काफी स्लिम डिजाइनिंग के साथ देखने को मिलता है और ये स्मार्टफोन एकदम ऑलराउंडर स्मार्टफोन होगा आप लोग के लिए तो इसके अंदर आप लोग गेमिंग का एक्सपीरियंस भी काफी अच्छा ले सकते हैं। बाकी दोस्तों ये आप लोगों को 30,000 रुपए के बजट के अंदर देखने को मिल जाता है 8GB रैम और 256GB स्टोरेज के साथ। बाकी दोस्तों हमारी लिस्ट में चौथे नंबर का स्मार्टफोन आता है IQOO Z7 Pro 5G स्मार्टफोन। अगर दोस्तों आप लोग एक 25,000 रुपए की रेंज के अंदर एकदम बेस्ट ऑलराउंडर स्मार्टफोन बाय करना चाहते हैं 3D कवर डिस्प्ले के साथ तो ये स्मार्टफोन आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट होने वाला है क्योंकि इसके अंदर आप लोगों को काफी स्लिमेस्ट 3D कवर डिस्प्ले देखने को मिलती है 120Hz रिफ्रेश के साथ। इसके अलावा इसके अंदर आप लोगों को 64MP का OIS कैमरे के साथ देखने को मिलता है जिसकी मदद से दोस्तों आप लोग काफी अच्छी खासी फोटोग्राफी भी कर पाओगे और ये स्मार्टफोन दोस्तों आप लोगों को 46W के फास्ट चार्जिंग और MediaTek Dimensity 7200 चिपसेट के साथ देखने को मिलने वाला है। बाकी दोस्तों इसका लाइट वेट और स्लिम डिजाइनिंग आप लोगों को काफी अच्छी लगेगी और उसकी कवर डिस्प्ले भी आप लोगों को काफी स्लिमेस्ट लगने वाली है। बाकी दोस्तों ये स्मार्टफोन आप लोगों को Amazon के ऊपर 24,999 के अंदर देखने को मिलता है 8GB रैम और 256GB स्टोरेज के साथ। बाकी दोस्तों हमारी लिस्ट में पांचवें नंबर का स्मार्टफोन आता है Vivo V23 Pro 5G स्मार्टफोन जो कि दोस्तों काफी पुराना स्मार्टफोन है लेकिन इसके अंदर आप लोगों को दुनिया की सबसे बेस्ट 3D कवर डिस्प्ले देखने को मिलती है तो इसके लिए दोस्तों ये स्मार्टफोन आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आएगा। इसके अंदर आप लोगों को 7.36mm की एकदम स्लिमेस्ट बॉडी देखने को मिलती है जो कि दोस्तों इसके साथ आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आने वाली है और इसके अंदर आप लोगों को काफी 3D कवर डिस्प्ले भी देखने को मिल रही है। इसके अलावा इसके अंदर आप लोगों को फोटोग्राफी के लिए पूरे 108MP का एक अल्ट्रा क्लीन कैमरा देखने को मिलता है और पूरे 50MP का सेल्फी कैमरा भी देखने को मिलता है तो इन दोनों कैमरे की मदद से आप लोग
काफी अच्छी खासी फोटोग्राफी तो कर ही लोगे। इसके अलावा इसके अंदर आप लोगों को 44 वाट का सुपर फास्ट चार्जिंग और पूरे 48 मेगाहर्ट्ज़ की बैटरी देखने को मिलती है, जो कि दोस्तों काफी अच्छी बात होने वाली है। इसके अलावा इसके अंदर आप लोगों को परफॉर्मेंस के लिए मीडियाटेक डायमेंसिटी 1200 5G की चिपसेट देखने को मिल रही है, जिसके अंदर दोस्तों आप लोगों को काफी पावरफुल प्रोसेसर देखने को मिल रहा है। बाकी दोस्तों ये वीवो का स्मार्टफोन आप लोगों को 27,500 रुपए के अंदर देखने को मिलता है और इसके अंदर आप लोगों को 8 GB रैम और 128 GB तक की स्टोरेज देखने को मिलेगी। बाकी दोस्तों ये थे टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोन, जो कि दोस्तों आप लोगों को एकदम बेस्ट 3D कवर डिस्प्ले के साथ देखने को मिलते हैं 120Hz रिफ्रेश के साथ। बाकी दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।